ये बड़ा कॉइल है, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज आई टू, ठीक है। सो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस छोटे कॉइल के साथ लिंक है। तो आई टू में, मतलब दूसरे कॉइल में अगर कुछ चेंज होता है करंट में, तो उसके साथ छोटे कॉइल में जो चेंज होने वाला है दैट विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक में होने से दूसरे में क्या हो रहा है, तो हमने कहा जो फ्लक्स लिंक रहेगा विथ कॉइल वन, अब n नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे तो n वन फाइव वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टू, ठीक है। इसे लिखना पड़ेगा n वन फाइव वन इक्वल टू m वन टू आई टू, सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो m वन टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा m वन टू, n वन फाइव वन इंटू डिवाइडेड बाय आई टू। अब n वन तो वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है, फाइव वन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? सो हाँ सर ये तो रहेगा, फाइव रहता है बी डॉट ए, सिर्फ ये फील्ड वन की रहेगी या टू की? सो फील्ड टू प्रोड्यूस कर रहा है और एरिया वन का कंसिडर करना पड़ेगा अंदर वाले कॉइल का। ये वन है, ये बड़ा वाला टू है, ठीक है, अपॉन आई टू। तो ये बन जाएगा एन वन, बी क्या रहेगा यहाँ पर, म्यू नॉट एन टू एन टू आई टू, एरिया क्या रहेगा, पाई छोटे आर का स्क्वेयर अपॉन आई टू, क्या सही है क्या? ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन वन एन टू आई टू कैंसिल, म्यू नॉट एन वन एन टू इन टू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। एक ही वर्ड चेंज करना है यहां पर, अगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सोलेनोइड रहे तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। सर ये तो डेरिवेशन हमने पहले ही किया है, बिल्कुल सही है, ये डेरिवेशन हमने पहले ही किया है। अब इस सोलेनोइड के जगह अगर कॉइल या रिंग रहती तो क्या होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन कम करने के लिए सर्कुलर सोलेनोइड की जगह स्पाइरल रखता हूँ, ठीक है। अगर ये सोलेनोइड की जगह इस प्रकार से सर्कुलर कॉइल रहते तो ये केस ऐसे हो जाती, ये कोई बड़ा कॉइल है और इसके सेंटर में ये हमने छोटा कॉइल रखा है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, बड़े वाले की रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली ये रिलेशन नहीं यूज कर सकता हूं, दिस इज रिलेशन फॉर सोलेनोइड, ठीक है, ये सोलेनोइड वाला रिलेशन है। अब मेरे पास क्या है, तो अब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा फ्लक्स लिंक विद सर्कुलर कॉइल क्या रहेगा, बता सकता है क्या कोई क्या क्या चेंजेस होंगे? कौन बता सकता है क्या क्या चेंजेस होंगे?
बता सकते हो क्या? तो देखो, ये बाहर वाला कॉइल है, यहां से करंट I2 अगर फ्लो हो रहा होता, यहां से फ्लो होने वाला करंट I2 है, सो फ्लक्स लिंक विथ अंदर वाला कॉइल वी कैन राइट phi1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, ठीक है, पक्का? हाँ सर। अब ये फ्लक्स लिंक विथ वन क्या रहेगा? तो फ्लक्स लिंक विथ वन रहेगा बी डॉट ए। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किसकी रहेगी? दूसरे कॉइल की। लिंक है फर्स्ट कॉइल के साथ, ये पहला कॉइल है वन, ये बाहर वाला है दूसरा कॉइल, इसे ही मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स लिंक विथ कॉइल वन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इंटू आई टू, ठीक है। अब देखो ये फ्लक्स को लिख रहा हूं बी टू इंटू ए वन इक्वल टू एम वन टू इंटू आई टू, देयरफोर एम वन टू क्या आने वाला है बी टू इंटू ए वन अपॉन आई टू। अब बी टू ये दूसरे कॉइल के कारण इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी? अब ये रिलेशन अलग आने वाला है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, कितनी आती है? म्यू नॉट इनटू आई अपॉन टू आर, और वन का एरिया कितना आने वाला है? पाई इंटू छोटे आर का स्क्वेयर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सेकंड लूप, उसमें से इतने पाई आर छोटा वाले एरिया में कॉइल वन प्रेजेंट है, सो कॉइल वन के साथ लिंक फ्लक्स रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू उसके, सॉरी, कॉइल वन के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू उसका एरिया डिवाइडेड बाय आई टू, आ जाएगा क्या आंसर? I2 cancel, mu naught pi r square upon 2 times capital R, सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। क्या दोनों में डिफरेंस ध्यान में आया क्या? सोलेनोइड के केस में क्या रहेगा एंड हमारा कॉइल के केस में क्या रहेगा, आया क्या दोनों में डिफरेंस ध्यान में? हाँ या ना, कुछ तो बताओ। अच्छा, दोनों में डिफरेंस ध्यान में आया? सोलेनोइड के अंदर रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये डिफरेंट रहती है, ये हम देते हैं म्यू नॉट ए नाइन। अगर सिंगल कॉइल है तो सिचुएशन अलग रहेगी, ठीक है। ये दोनों इसलिए यहाँ पर एक साथ सॉल्व किए सो दैट हमें डिफरेंस ध्यान में आए, ठीक है। ये डिफरेंस हमें ध्यान में आना चाहिए इसलिए दोनों को साथ में सॉल्व किया है। फाइनल आंसर लिखता हूं मैं, फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखो म्यू नॉट रहेगा, नीचे टू आर आ जाएंगे, आई टू कैंसिल, पाई छोटे आर का स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स आर, तो ये दो आंसर्स में डिफरेंस है। ये हमारा नॉर्मल डेरिवेशन है म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर, और ये स्पेशल केस है, यहाँ पर सिंगल कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म हो रही है वो सिंगल कॉइल के सेंटर में फॉर्म हो रही है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, देखो सोलेनोइड विथ एरिया ए
एंड लेंथ एल इज इन मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन इट. कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन इट. ठीक है. कंपेयर इट विथ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ठीक है. देखो एक बार सवाल को समझ लो अच्छे से. पहले एक सोलेनोइड है जिसका एरिया है ए और लेंथ है एल. ठीक है. और ये है मैग्नेटिक फील्ड बी में. इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी. ठीक है. अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालनी है. याद है क्या? सो देखो हमने लिखा था एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड इज मैग्नेटिक एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वेयर. हमने इसे कंपेयर किया था हाफ एम वी स्क्वेयर. जैसे मास या इनर्शिया का रोल प्ले करता है वैसे ये एल इनर्शिया का रोल प्ले करता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है. अब देखो कुछ चीजें हम पहले ही लिख लेते हैं कि ये हमने पहले तो लिख लेते हैं ये कहां से निकाला. याद है क्या ये कहां से निकाला? हमने लिखा था पावर इक्वल टू वी इंटू आई. अब V के जगह यहां पर EMF रहेगा. ठीक है. और मैं इसे ही लिख सकता हूं पावर इज वर्क डन DI by DT इक्वल टू E into I. ठीक है. सो टोटल वर्क विल बी इंटीग्रल DW इक्वल टू इंटीग्रल EMF. EMF को क्या मैं LI लिख सकता हूं? इंटू डी आई बाई डी टी. ठीक है. एक्चुअली डी टी लिखने की जरूरत नहीं है. डी आई यहां का डी टी डी डब्ल्यू बाई डी टी और यहां का डी टी कैंसल हो जाएगा. ठीक है. ये कहां से आया? ये कहां से आया? ई एम एफ इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी. ठीक है. अगर n टर्म्स है तो n phi और n phi को हमने लिखा है सेल्फ इंडक्टेंस में l इंटू आई. ठीक है. सो l कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा l di. ध्यान में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? देखो ये डेरिवेशन हमने किया है ना, ये हो जाएगा dw by dt इक्वल टू EMF का ये रिलेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? एल डी आई बाई डी टी इंटू आई. अब ये डी टी डी टी कैंसल. टोटल वर्क विल बी एनर्जी स्टोर्ड. ठीक है. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल I into L DI या L I DI. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाता है L I स्क्वायर बाय 2. दिस एनर्जी विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड हाफ L I स्क्वायर.
ठीक है। सो एक ये पार्ट है। दूसरा, क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितनी रहेगी? तो हमें इसका रिलेशन पता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कहां से क्यों लिखा सर ऐसा? बिकॉज दिस इज सोलेनोइड, ठीक है। सो क्या यहां से I की वैल्यू आ जाएगी क्या? हाँ सर आ जाएगी, B अपॉन म्यू इन टू एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये रिलेशन बन जाएगा हाफ एल, आई के जगह मैं लिख सकता हूं बी स्क्वेयर अपॉन म्यू स्क्वेयर एन स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन हमें पता है, ये रहता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल इंटू बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट एन स्क्वेयर। कुछ कैंसिल होता है, एन स्क्वेयर चले जाएंगे, म्यू नॉट चले जाएंगे कि म्यू नॉट का स्क्वेयर है, सो नीचे एक म्यू नॉट बचेगा। सो ये रिलेशन बन जाएगा हाफ वन अपॉन म्यू नॉट, वर्क ऊपर म्यू नॉट है नीचे म्यू नॉट का स्क्वेयर है, एन स्क्वेयर चले गए तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब आपको ध्यान में आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ विल बी वॉल्यूम, सो यू बी अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन टू म्यू नॉट इंटू बी स्क्वेयर, ठीक है। सो इसे आप लिख सकते हो हाफ बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। अब आपको इसको इक्वेट करने के लिए कहा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर कैपेसिटर क्या आ जाएगी? सो यह आ जाती है, हमें पता है दिस इज हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, याद है ये रिलेशन। सो यहां से आपको ध्यान में आ गया, देखो हाफ हाफ फैक्टर वैसा ही है, बी स्क्वायर वैसा ही है, वन अपॉन म्यू नॉट है, यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर म्यूचुअल इंडक्टेंस जहां पर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिसिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। सो ये दोनों रिलेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दोनों में भी मीडियम का रोल है, ठीक है। चलो और आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको कहा है कमला पेडल्स स्टेशनरी बाइसिकल, द पैडल्स आर अटैच टू 1000 टर्न्स कॉइल ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वेयर। The coil rotates at half a revolution
पर सेकंड। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन टेस्ला परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। फाइंड मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड। देखो आपको दिया है एक कोई स्टेशनरी बाइसिकल है, उसका ये पैडल है। आप कोई भी इसका एक स्कोप कंसीडर करो, ये एक सेकंड में आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब एक सेकंड में यहां पर आ जाएगा। सही है, कितने टर्न्स है? नंबर ऑफ टर्न्स है 100, एरिया दिया है 0.10 मीटर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी अगर हम कहेंगे इसे हाफ रिवॉल्यूशन होता है, हाँ दैट इज 0.5 हर्ट्ज। मैग्नेटिक फील्ड डी है, कितनी है मैग्नेटिक फील्ड? 0.01 टेस्ला। ठीक है, अब आपको कहा है ईएमएफ जनरेटेड निकाल लो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है, इट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड ऑफ पेपर। इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया है। चलो कैसे कर सकते हैं बताइए। क्या करना होगा? क्या ये घूमेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या इसके साथ एसोसिएटेड? हाँ सर, ये तो पक्का है। ठीक है, तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हमें पता रहेगा क्या? तो आपको याद आएगा हमने जनरेटर के केस में रिलेशन लिखा था, ईएमएफ इंड्यूस एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन ओमेगा टी, और वेयर एप्सिलॉन नॉट इज मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन बी ए इंटू ओमेगा। याद आया? ऐसा लिखा था ना, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब एन टर्न्स है तो फ्लक्स लिंक विल बी एन फाइव। अब एन तो वैसे भी बाहर, दिस इज डी डी टी ऑफ, माइनस साइन रहेगा, डी डी टी ऑफ फाइव रहता है बी डॉट ए। तो बी डॉट ए इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को मैंने ओमेगा टी लिखा। अब बी भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ओमेगा टी होने के कारण यहां पर ओमेगा बाहर आ गया। एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा इसे एप्सिलॉन नॉट लिखा, साइन ओमेगा टी वैसे के वैसे ही, ठीक है।
ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस वन, मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको मैक्सिमम ये में पूछा है, इसको लगे तो रेफरेंस के लिए आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया है, बस ये वैल्यू पुट कर लो और आंसर निकाल लो। क्या आ जाएगी वैल्यू? नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं क्या? हाँ 100। बी की वैल्यू दी है क्या? 0.01। ए की वैल्यू है क्या? हाँ 0.10। ओमेगा की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर पता है, 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, 2π एन इज ओमेगा ना। सो देख लो, 2 इंटू 0.1 इज 1, दिस इज 100 इंटू 0.1 इज 1, ये 0.1 इंटू पाए, दैट इज 0.314। EMF है इसलिए वोल्ट। अगेन यू विल रियलाइज सर इसमें तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, ये बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल ये सिंपल ही सवाल रहने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे जाए थोड़ा सा और। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ वर्टिकल डिस्क ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर मेक्स 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। About a horizontal axis, passing through center, a uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैं बी लिखता हुआ, 10⁻¹ टेस्ला, एक्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। एक्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, आगे क्या कहा है? Find potential difference between center and rim of disk. ठीक है, center and rim of disk इसके बीच का find out करना है। निकाल पाओगे क्या बताओ? कैसे करोगे बताइए?
देखो ना ऐसा है, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पर ये हमारी डिस्क है जिसकी रेडियस हमें पता है, या डायमीटर पकड़ लो, दोनों भी चीजें पता है ना, डायमीटर दिया है तो रेडियस पता रहेगी, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है इसके अबाउट ये घूमती है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितनी है, 10^-1 टेस्ला, ठीक है, रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपको दी है 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो पोटेंशियल डिफरेंस बता दो सेंटर और रिम मेकर, कैसे बताओगे आप, देखो क्या रिलेशन है ईएमएफ का, मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करते हैं तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं, और फ्लक्स क्या रहेगा, बी इंटू ए, बी डॉट ए, ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब देखो इसे जरा, बी तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा एरिया क्या आने वाला है, पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, अब थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और ए के बीच का, कितना एंगल रहेगा वो, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल, सो ये आ जाएगा बी इनटू बी डीटी ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अब देखो इसे ही थोड़ा सा देखते हैं, दिस इज बी इंटू डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट आ जाएंगे, पाई बाहर, डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर क्या आएगा, ये आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी, वॉट इज डी आर बाई डी टी, वॉट इज डी आर बाई डी टी, वेलोसिटी, सही है ना, और क्या मैं v को v को ओमेगा इंटू आर लिखू, तो ये आ जाएगा b इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, सही है क्या, क्या सही है, हाँ सर, ओके, पर मैंने किसका एरिया लिया, कौन घूम रहा है यहां पर, पूरी की पूरी डिस्क घूम रही है या डायमीटर घूम रहा है, देखो दोनों में डिफरेंस है, हमने जो किया ये हम कब करते, अगर ये पूरा का पूरा डिस्क इस प्रकार से आगे जाएगी, ये पूरी की पूरी डिस्क इस प्रकार से आगे जाएगी तो हम ये पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, इस पूरे डिस्क के साथ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो हम तब कंसीडर करेंगे, ये ऐसा है ना, ये यहां पर हमारी पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी एक मिनट, और इस फील्ड में ये अगर हमारी डिस्क आगे जा रही है इस प्रकार की, तो हम
जो एरिया है उसे पाई आर स्क्वायर लेंगे। बिल्कुल सही है सर। अभी आपको किसके बीच में पूछा है? अभी आपको इस पूरे डिस्क के बीच में नहीं पूछा है ये, अभी तो आपको पूछा है ये सेंटर और रिम इसके बीच में पूछा है। सो अभी जो फ्लक्स चेंज होने वाला है वो किसके साथ चेंज होने वाला है? अब देखो अभी की जो केस है उस केस में ये हमारा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। अगर अभी हम रिंग कहेंगे तो इस रिंग के साथ का ईएमएफ चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? क्या इस रिंग के साथ का फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो? हाँ या ना? नहीं। अभी ये रिंग अपने अपने आजू बाजू में गोल, मतलब ये जो एक्सिस बताया हमने इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमने वाली है। आया ध्यान में हम क्या कह रहे हैं? इस एक्सिस के अबाउट ही तो गोल गोल घूम रही है ना, ये एक्सिस फिक्स है। सो पहले भी इसके पूरे एरिया में जो फ्लक्स था वही नेक्स्ट इंस्टेंट पर रहेगा, वही नेक्स्ट इंस्टेंट पर रहेगा। सो अगर मैं पूरी की पूरी रिंग कंसीडर करता हूं तो उसके साथ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। सो उसके साथ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। क्या ध्यान में आया क्या? हाय अना। यस सर। देखो ये जो पहला वाला पार्ट जो अभी मैंने किया ये कब काम में आएगा? जब एक व्हील रोड पर रोटेट होते होते आगे जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी ये एक स्टेशनरी साइकिल है उस जिसका चक्का जगह पर घूम रहा है। तो अगर हमने व्हील के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स देखा तो वो पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। सो व्हील के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, इसलिए ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड रिम के बारे में पूछा है। ठीक है, इसलिए फिर अभी आप कहोगे कि सर ये ऐसी केस है तो हमें का जो सेंटर और रिम को ज्वाइन करने वाला है जो पार्ट है उसके बारे में कहना पड़ेगा। एंड नाउ आई विल से, अब ये आर घूम रहा है क्या? हाँ सर, ये आर अभी घूम रहा है। कितने स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा से। ठीक है, कितने स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, और फिर अभी मुझे यहाँ पर मोशनल ईएमएफ कंसीडर करना पड़ेगा और वो आ जाएगा बी एल वी। ठीक है, ठीक है, और अगर इसको मैं एनालिसिस करके इसका रिजल्ट निकालूंगा, वी को मुझे निकालना पड़ेगा ओमेगा आर, एल को दिखाना पड़ेगा आर, और जब मैं ये इंटीग्रेशन से करूंगा तब ये रिजल्ट आ जाएगा हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वेयर। सो हाफ बी की वैल्यू है 10^-1, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दी है रोटेशंस पर सेकंड, मिनट रहते तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता। सो 2π इंटू एन इंटू आर का स्क्वेयर, आर की वैल्यू कितनी है
10, ये डायमीटर है, सो आर का स्क्वायर आ जाएगा 5 × 10⁻², का स्क्वायर, सो ये बन जाएगा 2 कैंसल, 10⁻¹ × 20 विल बी 2, सो दिस इज 2π × 5 का स्क्वायर 25 × 10⁻², सो 25 × 2 = 50, 50 × 3.14 इज 157 × 10⁻⁴, दैट इज 1.57 × 10⁻²। आया क्या ध्यान में? ठीक है, ये रिलेशन आएगा ईएमएफ का, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये जो पार्ट हमने रेड कलर में लिखा है वो काम का नहीं है इस केस में। ये यहाँ की केस नहीं है, ये केस है। क्या सही है? यस